नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अम्बेडकर क्लासेज में। आज हम आपको भारत के उपराष्ट्रपति के रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं उनको याद करने की ट्रिक बताएंगे। इससे पहले हमने आपको राष्ट्रपति के अनुच्छेद आपको याद करवा दिए हैं, उससे जो वीडियो हमने डाल रखी है वो आप अच्छे से देख लें और समझ लें कैसे हमने ट्रिक बना रखी है, ताकि आपको भविष्य में उसकी ज़रूरत पड़ती रहे, ताकि आगे एग्ज़ाम हो तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति ये हैं आज के जो वर्तमान हमारे उपराष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है जगदीप धनखड़। ठीक है जी, जगदीप धनखड़ है। ठीक है, तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति, अब राष्ट्र उपराष्ट्रपति सॉरी उपराष्ट्रपति होना चाहिए। तो ये कैसे याद रखेगा हम, अब उपराष्ट्रपति संबंधित जो आर्टिकल है वो है 63। कौन सा है? 63 है। ठीक है, तो 63 है, तो हमने ट्रिक क्या बना रखी है, उपराष्ट्रपति को हम कैसे लिखते हैं बताते हैं आपको। उपराष्ट्रपति को हम ऐसे करके लिखते हैं, उप उसके बाद राष्ट्रपति पीछे लिखते हैं ना, तो उप में ये क्या ऊ की मात्रा को हम क्या समझेंगे, तीन है, तीन है। ठीक है, तीन है, तो इसके आगे हम क्या कर देंगे, छः और लगा देंगे, छः यहाँ लगा देंगे, कितना बन गया, 63 बन गया। तो 63 आर्टिकल में क्या दे रखा है, उपराष्ट्रपति के बारे में हमें दे रखा है। इस तरह हमें याद हो जाएगा, वेरी इजी ट्रिक है, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा, आपको उपराष्ट्रपति देखते ही याद आ जाएगा जिससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, वो है 63। ठीक है, इस तरह हमें याद हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पद सभापति होना। अब सभापति, ठीक है, सभापति आ रहा है ना, तो सभापति में क्या आ रहा है, पति आ रहा है। तो इसमें अब ट्रिक ये बना रखी है, ट्रिक बना रखी है हमने 64। देखो 64 में क्या, 64 हम इसको क्या पढ़ते हैं, 64 पढ़ते हैं, 64 को हम क्या पढ़ेंगे, चांस चांस मतलब कि चांस मिलना हमें सभापति, पता भी मतलब कि पति बनने का चांस जिंदगी में हर लड़के को हर बंदे को एक बार मिलता है। ठीक है, 64 में आ रहा है, 64 में क्या आ रहा है, 64 को हम पढ़ेंगे चांस, चांस मतलब कि पति को सभापति, सभापति बनने का चांस एक बार मिलता है। ठीक है, इस तरह याद कर लेंगे। उसके बाद आ गया 65। ठीक है, 65 में क्या आ रहा है, 65 में आ रहा है, 65 पेन आ रहा है। ठीक है, पेन आ रहा है, ठीक है, पेन। तो जो उपराष्ट्रपति है जैसे, ठीक है, राष्ट्रपति की जगह कार्यकर्ता है, इसके पद में थोड़ा बता देता हूँ आपको पहले मैं क्या है। इसमें 65 में जैसे राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना, मतलब कि 65 में क्या दे रखा है, अभी जब राष्ट्रपति कार्यपत्र ना हो तो उपराष्ट्रपति उनकी जगह पर बैठ सकता है, उनका कार्य संभाल सकता है। तो इसमें क्या दे रखा है, 65 को हम पढ़ रहे हैं, 65 में हमें क्या ढूंढना है, पेन ढूंढना है। तो उपराष्ट्रपति क्या कर सकता है, जो राष्ट्रपति का पेन होता है ना उसका यूज कर सकता है कौन, उपराष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति कार्यकर्ता पर ना हो तो उपराष्ट्रपति उसका पेन यूज कर सकता है, 65 ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आ गया 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दे रखे हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, निर्वाचन, निर्वाचन में क्या आ रहा है, निर मतलब क्या होता है, इसमें ये नहीं इन चीज़ों से ध्यान करेंगे, निर मतलब पानी होता है। ठीक है, पानी हमें एक जैसा दिखता है, हमें एक जैसा दिखता है ना पानी, हमें जहाँ भी देख लो एक जैसा दिखता है, भी एक जैसा है, लेकिन हालांकि वो एक जैसा नहीं होता, कोई शुद्ध होता है, कुछ अशुद्ध होता है, कहीं कैसा होता है कैसा, तो दिखने में एक जैसा लगता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन O2 का सूत्र होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो पानी एक जैसा दिखता है, तो एक जैसा दिखता है, तो ये भी एक जैसा दिख रहे हैं ना, 66 भी हमें एक जैसे दिख रहे हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात थी, उपराष्ट्रपति का पहला आर्टिकल हमें याद है तो उससे रिलेटेड आर्टिकल हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, क्योंकि वो पता लग जाएगा जिससे उससे आगे बढ़ रहा है, जो भी आर्टिकल होंगे वो उपराष्ट्रपति के होंगे। ठीक है, तो इससे हमें याद रह जाएगा। उसके बाद आ गया 67 में उपराष्ट्रपति पदावधि। ठीक है, 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और उसमें रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। ठीक है, तो ये थे। ठीक है, उसके बाद 68 हो गया, 68 के बारे में बता दिया हमने आपको। 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, भी शपथ लेना। ठीक है, 69 में दे रखे हैं, ये थे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल। ठीक है, ये कहाँ से दे रखे हमें, 63 से 69 तक, 63 से 69 तक।
ठीक है। अब हमें याद रखना है कि ये कहाँ तक से कहाँ तक रहेंगे, ये भी इसके लिए हमने ट्रिक बना सकी। 63 याद हो गया तो हम इनको प्लस कर देंगे तो 9 हो गया, ठीक है। इतना तो हमें कन्फर्म हो गया 63 है, तो इससे आगे कितने आर्टिकल हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 60 इनको जोड़ के आगे 9 कर देंगे, और 6 तो हो ही है, ठीक है। 69 तक इनके आर्टिकल दे रखे हैं, जो 69 में क्या दे रखा है, हमें शब्द दे रखी है। तो ये आर्टिकल थे, इनसे रिलेटेड उपराष्ट्रीय संबंधित आर्टिकल थे, ठीक है। हमने आपको अच्छे से याद करवा दिया है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करके हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को मेडिकल आर्थिक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएँ। धन्यवाद।